गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या चल? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस अभी तुम्हारा भाई सो गया है दिल्ली में, और अभी तुम्हारा भाई जो है ना वो जा रहा है चांदनी चौक। तो अभी तो मैं वहाँ से रूम से निकल गया हूँ और मैं आ गया हूँ यहाँ पर क्योंकि लिफ्ट में आ गया हूँ, और यहाँ से ना तुम्हारा भाई अभी जाएगा। दिखाता है कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी तो भीड़ कम हो गई है क्योंकि भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ ये जाएगा ना नीचे जाएगा तुम्हारा नीचे, यहाँ से जो है तुम्हारा भाई बैठेगा नीचे जाएगा और दिखाएगा तुम लोग को चांदनी चौक। तुम्हारा भाई है जमीन के नीचे, तो देख सकते हैं भाई जमीन के नीचे है मेट्रो। अब यहाँ से जाना है मेट्रो भाई, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे चांदनी चौक और उसके बाद चलते हैं चांदनी चौक भाई। तो काफ़ी हेयर स्टाइल वगैरह सब बिगड़ गया भाई, ना धोके निकले थे घर से, सब बिगड़ गया भाई। यहाँ से टिकट लेना ज़रूरी है। ये है भीड़ भाई टिकट के लिए, यहाँ पर भी टिकट के लिए भीड़ है, उधर पूरा काउंटर भीड़ है भाई। कम से कम मेरे को एक घंटा इधर ही लग जाएगा मेरे को भाई, बहुत ज़्यादा है। वो मैडम जी बोल गाइस, यहाँ पे सफ़र करने में ना हालत ख़राब हो जाती है, दिल्ली में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। मिलेगा आज कोई मुश्किल? आज अभी मेरा पहला दिन है, और जो कि मेट्रो से आने में हालत ख़राब होगी मेरी, देख सकते हैं चेहरा और सब। लेकिन यार ये लग रहा है कि हाँ दिल्ली में आया हूँ मैं। और हार देख सकते हैं, 200 का हार है भाई, 200 का हार था भैया। तो अभी जो है कि हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन, मेट्रो से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं जामा मस्जिद। तुम्हारे भाई ने सिर्फ सुना था भाई, आज तुम्हारे भाई ने देख भी लिया। ए तो भरे पड़े हैं भाई। तो तुम्हारा भाई कुछ सोचिए, तुम्हारा भाई के सफर से हमें कुछ यहाँ पर यहाँ तक पहुँचा है, और अभी 20 मिनट का रास्ता है भाई पहुँचने में, जामा मस्जिद पहुँचने में 20 मिनट का रास्ता है भाई। बहुत जाम है यहाँ दिल्ली में भाई, इतना जाम मुझे ये नहीं मालूम था, वरना ये इतना मालूम होता दिल्ली में ये हालत रहेगी तुम्हारा भाई दिल्ली कभी नहीं आता। ये भाई दिल्ली की सड़कों पर जाम, दिल्ली के सड़कों पर जाम भाई, इतना बड़ा बड़ा जो कि अमरुद कौन खाता भाई, बहुत बड़े बड़े हैं भाई। तो भाई अभी ना हम लोग पहुँच गए हैं और मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बैठ गई है एकदम, देख सकते हम लोग, क्योंकि ना सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं अभी, आवाज़ मेरी बहुत धीरे धीरे निकल रही है। और मैं ना अभी चांदनी चौक की गलियों से होकर गुजर रहा हूँ भाई। यहाँ आए नहीं का मतलब ये, कल रात में ना, कल पूरी रात जो है मैंने बस पर सफ़र किया, और बस पर ज़्यादा मैं सफ़र नहीं करता हूँ, मुझे वॉमिट होने लगती है भाई, 3 वॉमिट हुई है, और उसके बाद जो है सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ, फिर उसके बाद आ गया ब्लॉग बनाने के लिए। तुम्हारा भाई तुम ही लोग के लिए सब करता है, क्या क्या करेगा तुम्हारा भाई। और अभी का जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, चांदनी चौक की गलियों में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो गलियों का दिखाने से कुछ नतीजा तो निकलने वाला है नहीं, मैं पहुँचता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको भाई। ये बेचा है भैया सिकंजी, बिना सिकंजी पे तो काम चलने वाला ही नहीं हम लोग का, तो यहाँ से सिकंजी पीते हैं उसके बाद चलते हैं जामा मस्जिद। हमारा जो सफ़र है उस सफ़र में इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये लड़का है, दुकान लगाया है छोटी सी एक, बिल्कुल जामा मस्जिद के पीछे, जामा मस्जिद के पीछे ना। दिस इज जामा मस्जिद, तुम्हारा भाई बड़ी मुश्किलों का सामना करके जामा मस्जिद आ गया है। और बाबे अब्दुल गफूर, ये भाई गेट नंबर 3, और तुम्हारा भाई यहाँ जा रहा है अंदर, जा रहा है और दिखा रहा है आपको अंदर जाके। ये कुछ सीन है ना, ये जामा मस्जिद का कुछ सीन है भाई, अभी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। कुछ सफर ऐसा है जी, चाहे वहाँ रखो चाहे हाथ में लेकर जाओ अंदर भाई, ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए, अगर ज़मीन पर पड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, तो ज़मीन पर तो नहीं पड़ना चाहिए फिलहाल, और मेरा पड़ेगा भी नहीं ज़मीन पर। यहाँ डोनेशन भी दे सकते हैं गाइस, टावर टिकट भी ना रिजेक्ट लीजिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा जामा मस्जिद है भाई, क्योंकि उसमें जो कि नमाज़ अदा हो रही है अभी, इधर भी है भाई जामा मस्जिद। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर शाम के टाइम ना गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम, शाम के टाइम तो छोड़ते नहीं हैं यहाँ के लोग,
तो भाई यहाँ मैं आने का तो कोई फिलहाल टिकट है नहीं, क्योंकि ये मस्जिद है और मस्जिद तो भाई टिकट रखता नहीं मस्जिद में। तो यहाँ पे कुछ शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, हम भी अपना रखते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये है जामा मस्जिद का जो कि गेट है, ये यहाँ से मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा थक गया था इसकी वजह से मैं नहीं वीडियो बना पाया। और वो सब बैठने वाला और उसमें अदा होती है नमाज। और ये है जो है ना बड़ा वाला गेट, बिल्कुल रूमी गेट की तरह मुझे लग रहा है ये। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो स्टैंड से कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा हिले ना, और इसकी ना मतलब अभी वो काम चल रहा है इधर अभी, इसकी वजह से ये सब लोहा वगैरह लगा हुआ है। हमारे वहाँ तो बांस ही बांध देते हैं और वो भी वही चीज़ है उसमें भी। और ये जो है ना वो गेट है, वो फर्स्ट गेट है, वो वहाँ लिखा हुआ है नंबर 1। और ये बीच में जो है, अरे वजू बनाने के लिए पानी रखा हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं कि पूछिए मत। और वो सब चीज़, और वो भी गेट ही है एक तरह का। और वो जो है ना वो मतलब गुंबज टाइप बना हुआ है, और ये गेट नंबर 3 है, ये तीसरा, वो दूसरा वाला है पहला। तो जो है, अरे ये जो है ना वजू बनाने के लिए पानी है, ये काफ़ी लोग वजू बना रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। ये है बड़ा वाला गुंबज, ये भी बड़ा वाला गुंबज है, और उसके साइड ना वो छोटा गुंबज बना हुआ है वहाँ पर। तो गाइस ये है कुछ सीन यहाँ का, क्योंकि जामा मस्जिद है ये, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, इसके लिए आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी बैकग्राउंड की जो है कि। अभी एक माइक मुझे लेना पड़ेगा जामा मस्जिद के मतलब वीडियो बनाने के लिए उसका, तो एक ना मुझे माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि बोया का आता है माइक एक, वही मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे ना आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर आती है। और क्लियर आएगी भी क्यों नहीं भाई, 2500 का माइक मिलता है भाई, तो आवाज़ तो क्लियर आएगी ना। तो ये कुछ सीन है यहाँ का, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं निकालना चाहता हूँ भाई। और ये अभी स्टिक से मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो ये कुछ सीन है यहाँ का, दिखा दूँ आपको मैं। बिल्कुल स्मूथली लग रहा है, ज़्यादा हिल नहीं रहा है वीडियो, क्योंकि ना मैं भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। और मैं जब स्टिक से बनाता हूँ ना तो लोग देखते रहते हैं भाई, यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए स्टिक को करते हैं छोटा भाई, और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं। तो ये कुछ सीन है इसका जामा मस्जिद का। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर ना है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगली वीडियो ना गाइस कमेंट करके बताइए मैं कहाँ की बनाऊँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में कम से कम 1 वीक रुकने वाला हूँ। रूम सब मैंने बुक कर लिया है, रूम है, खाने पीने का सारा इंतजाम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आने का एक कारण था मेरा, यहाँ पे अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर, बट मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है भाई। चांदनी चौक की गलियाँ में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो ब्लॉग की करते ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि मेरे कुछ खास दोस्त हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जब से मैं घर से निकला हूँ, और आप लोग भी सपोर्ट करें थोड़ा। शक्ल तो देख लें, लाख है नहीं गाइज, वीडियो ही बना लेते हैं।